चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और वीडियो के लास्ट में दिल लहलाने वाली खबर को मिस ना करें। महाराष्ट्र में सियासी बवाल के बीच बड़ी खबर, अजित पवार को मिल सकता है वित्त मंत्रालय। नहीं थम रही टमाटर पर महंगाई, आज 270 रुपए के पार पहुंचा रेट। टेस्ला की भारतीय बाजार में उतरने की जोरदार कोशिश, फैक्ट्री लगाने को लेकर सरकार से हो रही है बात। मध्य प्रदेश के विकास के लिए फिर कर्ज लेगी शिवराज सरकार, वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा, कांग्रेस ने कर्ज लेकर एक ईंट भी नहीं बनाई। पेरिस पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपति समारोह में होंगे स्पेशल गेस्ट। उत्तर प्रदेश में अब 62 नहीं 65 साल में रिटायर होंगे डॉक्टर, सीएम योगी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में कांग्रेस फिर निकालेगी यात्रा, राहुल गांधी भी होंगे शामिल। टमाटर के बाद आलू प्याज धनिया मिर्ची पर भी महंगाई की मार, आसमान छू रहे दाम। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध पर भारत बंद का हो सकता है ऐलान, ओबीसी ने दिए संकेत। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों में सरकारी प्राइवेट स्कूल बंद, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। देश भर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, कहा तानाशाह सरकार ने राहुल गांधी को सांसद से निकाला। 22 जुलाई को लगेगा 7वां रोजगार मेला, 70,000 से अधिक युवाओं को पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र। फ्रांस में पीएम मोदी की मौजूदगी में लॉन्च हो सकता है यूपीआई, दोनों देशों के बीच चल रही है बात। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में आज भारी बारिश, बाढ़ का भी अलर्ट जारी। एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने फिर किया विरोध प्रदर्शन। यूएन में भारत ने दिया पाकिस्तान का साथ, स्वीडन में कूरन जलने के खिलाफ पेश हुआ प्रस्ताव का किया समर्थन। देश में 24 घंटे में कोरोना के आए 48 नए केस, 94 हुए ठीक।